लगातार दो बरस से बरखा नहीं हुई, खेत सूख गए। पेड़ों के पत्ते तक मुरझा कर झड़ गए, आकाश में बादलों का नाम तक नहीं, देश भर में हाहाकार मच गया। लेकिन सभी दुखों का अंत होता है, फिर से आकाश में बादल उमड़ आए। अरे ओ बचवा, भागवतिया, अरे देख तो सही क्या बादल उमड़े हैं, इतने दिनों के बाद राम जी की दया हुई। तेरे ही मल्हार पर तो आए हैं, पर जरा देख तो सही पूरब दिशा एकदम काली हो उठी है, अब जरूर बरखा होगी। तक 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 रे तक 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 गिन गिन रे जग 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 गिन गिन रे। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन की मोर नचाता आया। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन की मोर नचाता आया। मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहनी दी हरी सुनरिया बन के दुल्हनिया। खगन बुझी एक खगन लगी, मन मगन हुआ एक लगन लगी। आया आया रे आया रे आया। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहने दी हरी सुनरिया बन के दुल्हनिया। एक खगन बुझी एक खगन लगी, मन मगन हुआ एक लगन लगी। आया आया रे आया रे आया। बैठना तू मन मारे, खगन चले जा पवन चले, आजा मिल जा के गए जीवन का गीत नया। एक खगन बुझी एक खगन लगी, मन मगन हुआ एक लगन लगी। ऐसे बीज बिठा रे, ऐसे बीज बिठा रे, नैनों में ना तेरे सपनों का धान हरा, नैनों में ना तेरे सपनों का धान हरा। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहने भी हरी सुनरिया बंक दुल्हनिया। हो एक खगन बुझी एक खगन लगी, मन मगन हुआ एक लगन लगी। Thank you.
कहे पुकार के बीज बिछा ले प्यार के मौसम बीता जाए मौसम बीता जाए मौसम बीता जाए मौसम बीता जाए। क्यों है संभो जमीन अब कैसी हो गई है? हल के साथ लिपटी चली आ रही है भैया जैसे बातें कर रही हो। अरे मेरी बहू ने मन्नत मानी थी ना उसी का फल है तो मिठाई खिलाओ। वाया और मेरी बहू ने जो अपने खून का चढ़ावा दिया था हाँ भी के मैंने भी नहीं किया वरना ना जाने मेरी बहू क्या कुर्बानी कर देती इस वर्षा के लिए। अरे तेरा क्या हो जाता तो बरखा की जरूरत क्या थी तेरी बहू के आंसुओं से ही सारी जमीन तार हो जाती। कितने दिनों के बाद भगवान जी की दया हुई। पिछले दो बरस तो ऐसे गुजरे हैं पारो कि बस पूछो मत। अब की अगर फसल अच्छी हो गई तो नथुराम सोनार से तेरी वो पायल की जोड़ी छुड़ा लाऊंगा। जब तू मेरे लिए खाना लाया करेगी तो दूर से रुन झुन की आवाज आया करेगी बहुत मजा। छोड़ो भी अब क्या मेरी पायल पहनने की उम्र रही है? तो तू बूढ़ी हो गई है क्या? बूढ़ी नहीं तो क्या? जरा मुँह तो खोल देखो कितने दांत गिरे हैं। मोतियों की लेड़ी चमक रही है और कहती है कि मैं बूढ़ी हो गई। अच्छा अगर बूढ़ी नहीं हुई तो मुझे प्यार क्यों नहीं करती? मैं तुझे प्यार नहीं करता रे। ये तो स्कूल से भागा है रे? नहीं बापू छुट्टी हो गई। कैसे? वो मास्टर जी है ना उनकी गाय खो गई है उसे खोजने गए। अच्छा जा तू भी मास्टर जी के पीछे पीछे जा। भा कौन कहता मैं तुझसे प्यार नहीं करता? तुलसी ने। ओ ये बात है। अच्छा मैं दिखाता हूँ। अरे यार शंभू का ब्याह हुए कम से कम 10 बरस तो हो गए हैं अब भी वो अपनी औरत के साथ बैठकर क्या घुसुर पुसुर करता रहता अपनी समझ में नहीं आता। तू क्या समझेगा तू तो अपनी औरत को बस पीटना जानता है। तू बहुत बकवास करने लगा चलो ढेर सा काम बाकी पड़ा। चलिए ठाकुर साहब आपके दौलत खाना पर चल के बातें करेंगे। तशरीफ लाइए। ये जमींदार जी की मोटर आज यहाँ कहाँ? इन्हीं दिनों यहाँ इनकी मोटर को पहले भी 2-1 बार देखा है। जमींदार जी के साथ जो 2-3 आदमी हैं वो शहरी मालूम होते हैं। तब तो जादव ठीक ही कहता था जमींदार जी यहाँ एक मिल बनाना चाहते हैं। ये क्या एक नई मुसीबत? तब तो हम सबको खेती बाड़ी हटानी पड़ेगी। अरे भाई जमीन जमींदार जी की वो जो चाहे सो करें हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं। लेकिन सारी जमीन तो जमींदार जी की नहीं है बीच का ये 2 बीघे का टुकड़ा तो शंभू का है। शंभू अगर अपनी जमीन न बेचे तो यहाँ मिल बनी नहीं सकती। क्यों रे शंभू तू बेचेगा अपनी जमीन? पागल हो गए हो क्या? मैं अपनी जमीन कभी नहीं बेचूंगा। नहीं बेचेगा? अजी उसका बाप बेचेगा जाएगा कहाँ उसकी चोटी तो मेरे हाथ में है। लेकिन आज के किसान किसान नहीं रहे सब आदमी बन गए हैं। चोटी कटाकर भाग जाएंगे और आपके हाथ में कड़ी चुटिया ही रह जाएगी ठाकुर साहब। अजी नहीं वो तो मेरी मुट्ठी में है मैं आज ही सब बंदोबस्त किए देता हूँ। हाँ आप कर ही लीजिए बीच का ये टुकड़ा न मिलने से हमारा इतने दिनों का प्लान सब टर फस हो जाएगा। देखिए ना हमने तो प्रोस्पेक्टस भी छपवा लिए हैं द ग्रेट जनता मिल्स लिमिटेड चेयरमैन रईस आजम ठाकुर हरनाम सिंह जी हमारी तो पूरी तैयारी है ठाकुर साहब बस जमीन मिलने ही की देर है। अजी जनाब जमीन की कोई फिक्र नहीं
फिक्र तो इस बात की है कि आपके साथ बिजनेस करने में घर के बहुत से पैसे को बाहर करना पड़ेगा, और वो भी इस जमाने में। लेकिन ठाकुर साहब, पैसा ही पैसे को खींचता है। इसके अलावा सरकार अब जमींदारी को तो रहने नहीं देगी, फिर इंडस्ट्री की तरफ ही क्यों ना कदम बढ़ाया जाए। ठाकुर साहब, कहावत है ना, वाणिज्य वस्ती लक्ष्मी। मिल लगने से ये गांव गांव नहीं रहेगा, शहर बन जाएगा। घर घर में बिजली के लैंप लगेंगे, सर पर पंखे फर फर करेंगे। हाँ, कितने ही मेहमान साहब यहाँ आया करेंगे, नाच पार्टियां हुआ करेंगी। नायक जी, क्या यही सब लोग नाचेंगे? अच्छा तो ठाकुर साहब, अब आज्ञा दीजिए। माफ करना ठाकुर साहब, आज आपको बहुत कष्ट दिया। अरे भाई, बिना कष्ट के कहीं कृष्ण मिलते हैं? हम तो इन्हीं के भले के लिए शहर से इतनी दूर देहात तक आए हैं। अच्छा ठाकुर साहब, अब आज्ञा दीजिए। नमस्ते। नमस्ते। नायक जी। जी सरकार। शंभू महतो की तरफ हमारे कितने रुपए चाहिए हैं? खाता देखना पड़ेगा। देख लीजिए और उसे कल यहां बुलवाइए। बहुत अच्छा हुजूर। हजूर अंदर है? हाँ। सरकार। कौन? शंभू। हाँ हाँ, बैठ। नायब जी, वो कागज लाइए। अभी लाया। तुझे खुशखबरी सुनाने के लिए बुलाया। क्या खुशखबरी है जो? मैंने तय किया है कि गांव का रूप ही बदल दूं, यहाँ एक मिल लगवाऊंगा, तमाम रास्ते पक्के बनवा दूंगा, घर घर बिजली की बत्तियां जला करेंगी, तुम सबकी भलाई होगी। हजूर हमारे माई बाप हैं, आप हमारी भलाई ना करेंगे तो और कौन करेगा? मगर ये सब तुम लोग समझते कहाँ हो, फिर भी इन सब में तू समझदार है। ले जरा अंगूठे का निशान तो लगा दे इस कागज पे। इसमें क्या लिखा है हजूर? अरे कुछ नहीं, वही गोपीपुर में मेरी जमीन के साथ लगती हुई जो तेरी 2 बीघा जमीन है, वो मुझे चाहिए, वहीं मैं मिल लगवा रहा हूं। ले अंगूठा लगा दे झट से। इसके बदले में जो मैंने कर्जा तुझे दिया है वो सब माफ कर दूंगा। मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा, थोड़ी सी मोहलत दीजिए हजूर। मुझे गरजमंद समझकर कस रहा है। अच्छा ठीक है, कर्जे की माफी के अलावा कुछ रुपए और भी दे दूंगा। जमीन तो किसान की माँ है हजूर, माँ को बेच दूं? अबे रहने दे, जमीन पर मिल लग जाने से माँ बाप बन जाएगी। जमीन से तुझे क्या मिलता है, मिल में मजदूरी करके भर पेट खाएगा, आराम की नींद सोएगा। हजूर, पेड़ को मिट्टी से उखाड़ कर सोने में लगा दे तो क्या वो बच सकता है? अरे बड़ी बड़ी बातें रहने दे, तेरे ही भले की कह रहा हूँ, अंगूठा लगा दे। नहीं हजूर, जमीन मैं नहीं बेचूंगा। क्या क्या कहा, नहीं बेचेगा? अरे मेरा कहा न मानकर अपने ही हाथों अपना सत्यानाश करने पर क्यों तुला हुआ है? जमीन चले जाने पर ही तो किसान का सत्यानाश हो जाता है हजूर, और फिर उस जमीन पर तो हमारा 7 पीढ़ी पुराना मकान है। नहीं हजूर, जमीन तो मैं किसी हालत में नहीं बेच सकता। ये मजाल, इतनी जुरत? अच्छा तो कल तक मेरी सारी रकम मैं सूद के चुका जाओ। कल तक? 4 दिन तो दीजिए सरकार। काफी मोहलत दे चुका हूँ, तुम लोग शराफत से पेश आने के काबिल ही नहीं। मेहरबानी कीजिए सरकार, मैं खाली हाथ निकल जाओ यहां से। सरकार दया कीजिए, सरकार सरकार सरकार। पानी डाल। क्यों दादू, कितने दिनों बाद इसमें आम लग जाएंगे? 5 बरस बाद। सबसे पहला आम मैं तुम्हें दूंगा और दूसरा बापू को। ये लो बापू, बापू देखो हमने आम का पेड़ लगा दिया है, कुल 5 ही बरस बाद इसमें फल लग जाएंगे। 5 बरस? जा बचवा, जरा अपनी स्लेट और पेंसिल तो ले आओ। बापू तुमसे एक जरूरी सलाह करनी है। क्या है? क्या है बाबा? जमींदार से लिया हुआ सारा कर्जा कल ही चुका देना पड़ेगा बापू। कल ही? हाँ, नहीं तो अपनी जमीन नीलाम हो जाएगी। नीलाम? ये तो जुनून है, इतनी सी जमीन का ही तो आसरा है,
ये भी हाथ से निकल गई तो भूखों मरना पड़ेगा। आखिर तूने क्या सोचा है? कुछ सोचा ही नहीं जाता बापू, पर कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं आया हूँ बापू। आ गया बेटा। हाँ। तू तो सब हिसाब सीखा है ना। हाँ। जरा सब जोड़ के बता तो। लिख, बीज के लिए धान 2 बरस का 20 रुपए, 20 रुपए, मामला 3 बरस का 12 रुपए, 2 छकड़े फूस 8-8 रुपए। जरा ठहर ठहर कर बोलो बापू, सब गड़बड़ हो जाती है। 8 और 8 = 16 और मिलाए 12 तो हुए 28। 28। हाँ। और नकद लिए थे 3 रुपए 1 बार, 7 रुपए 1 बार और 2 रुपए 1 बार। तो इन पर सूद कितना होगा? बहुत होगा, 5 रुपए। हाँ। 5 रुपए लिख, 5 रुपए सब मिलाकर कितने हुए? जरा ठीक से जोड़ना, गड़बड़ ना हो जाए। 7, 4, 6 सब मिला के 65 रुपए। 65 रुपए एक साथ इतने कहां से मिलेंगे? सब बेच दूंगा, घर में जो कुछ होगा सब बेच दूंगा, जमीन तो बचानी ही पड़ेगी। जमींदार की सेवा कर रहा हूँ। पारो, वो हमारी एक गागर थी ना। ओह, ये रही। मैं कहती हूँ आखिर बात क्या है? बात क्या होगी, ये सब बेचकर जमींदार का पूरा कर्जा चुका दूँ। सब तो गया, अब यही रह गया है, जो मर्जी वो करो। पारो, क्या है? मेरा सुन, इन सबसे तो कुछ भी नहीं बनेगा पारो। तो मैं क्या करूं? और कुछ नहीं तो मुझे भी साथ ही बेच डालो। अरे बाप, जरा गुस्सा तो देखो। अरे तुझे खरीदने की हिम्मत है किसी में? रहने दो अपने चौंचले। पारो, क्या? पार्वती, मैं अजी कुछ बोलो भी मुंह से। किस मुंह से कहूं पार्वती, मैं तुझे कभी कुछ बनवा के नहीं दे सका। ओ, तो बाप के दिए हुए ये झुमके भी लेना चाहते हो? नहीं नहीं, ये तो मैं पहले ही समझ गई थी। नहीं नहीं पारो, रहने दे, तेरे मन को दुख होगा। मेरे मन के दुख से तुम्हें क्या? मुझे भी क्या दुख नहीं होता पारो, पर क्या करूं, अगर जमीन बच गई तो फिर ये सब हो जाएगा, है ना? सरकार, आपके दिए पैसों का कर्जा आज चुका रहा हूं, पर आपकी दया का कर्जा तो कभी भी चुका नहीं सकता सरकार। मेरे हिसाब में आपके 65 रुपए निकलते थे। नायब जी, खाता देखकर बताइए तो इसके दिन में कितने बकाया है? जी, खाते में बाकी लगान, बीज के लिए धान, नगद वगैरह सब मिल मिला के कुल 235 रुपए 8 आने इसके नाम लिखे हैं। ये किसका हिसाब देख रहे हो नायब जी, जरा ठीक से देखो ना। ओह, तो शायद मुझसे भूली हुई। तेरा नाम शंभू महतो तो नहीं है? हाँ हाँ, शंभू महतो। तब तो तेरा ही हिसाब है। इसे हिसाब ठीक तरह समझा दीजिए, कहीं ये न समझे कि मैं इसे ठग रहा हूँ। अरे राम राम राम, आप जैसा धर्मात्मा और देख तो, ये तेरे ही अंगूठे का निशान है ना। उस अकाल के वक्त 20 रुपए मन की दर से 5 मन चावल गिनिएगा। मेरे बाप ने पूरे 1 साल तक खजूर के बागीचे में बिन पैसे काम किया है, इस पर भी उन चावलों के दाम पूरे नहीं हुए। जरा इससे पूछो तो, उस तहत के जमाने में जो इसका बाप हर रोज एक वक्त खाना निकलता था, वो कहां से आता था? हजूर, मैं बाप मैं गरीब बिल्कुल मारा जाऊंगा। हजूर हजूर, थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए हजूर, मैं सारी रकम चुका दूंगा, जो भी होगा चुका दूंगा। हजूर हजूर, मैं बाप ने आपके पांव पकड़ा हजूर। आज जिसके पांव पकड़ रहा है, कल उसी से सीना तान कर कह रहा था कि जमीन नहीं बेचूंगा। हजूर बस, अब जो कुछ कहना है कचहरी में कहना। विश्वास कीजिए हजूर, मुझे कुल 65 रुपए ही देने। जो बात तुमसे पूछी जाए सिर्फ उसी का जवाब दो। 30 रुपए मन की दर से 5 मन चावल तुमने उधार लिए। मगर हजूर, मेरे बाप ने बेगार में। तुम्हारे बाप के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, तुमने उन चावलों की कीमत चुकाई? नहीं हजूर, तुम्हारी तरफ 3 बरस का लगान बाकी है। 1 बरस का हजूर, 2 बरस का लगान तो मैं दे चुका हूँ। उसकी कोई रसीद है?
रसीद तो नायब जी ने दी नहीं हजूर। अगर नायब जी ने कोई रसीद नहीं दी तो और कोई सबूत है या कोई गवाह है? गवाह? गवाह तो कोई नहीं हजूर, भगवान गवाह है हजूर। सिर्फ उसी को बुलाओ फिर वही गवाही दे जाए। जिस ने पॉइंट किया है ना, तो तुम्हारी तरफ पांच मन चावल, बीज के लिए धान, बाकी लगान, दो छकड़े फूस और 50 रुपए नकद, ये सब मिल मिला के कितने हुए? 65 रुपए हजूर। बिल्कुल ठीक कह रहा हजूर, भगवान मुद्दई ठाकुर हरनाम सिंह वल ठाकुर जौहर सिंह साकेन रायपुर की मुदायरे शंभू महतो व गंगू महतो साकेन गोपी बोर्ड के खिलाफ दी हुई दरखास्त जिसमें मुद्दई ठाकुर हरनाम सिंह अपने 235 रुपए 8 आने के कर्ज के इवज में मुदायरे शंभू महतो की जमीन व जायदाद पर कब्जा करने की इजाजत चाहता है, अदालत नामंजूर करती। लेकिन मुदायरे शंभू महतो कोई भी ऐसा सबूत पेश नहीं कर सका जिसमें मुद्दई ठाकुर हरनाम सिंह का दावा झूठा साबित हो सके, इसलिए अदालत की राय में शंभू महतो को यह कर्ज चुकाना ही पड़ेगा। मगर उसकी माली हालत को देखते हुए अदालत उसे 3 महीने की मोहलत देती है। अगर इस अरसे में भी शंभू महतो सारा रुपया ना चुका दे तो ठाकुर हरनाम सिंह उसकी जमीन जायदाद नीलाम करा लेने के अधिकार। दया कीजिए हजूर, इतनी कम मोहलत में मैं सारा रुपया कैसे चुका सकूंगा? मेरा बुढ़ा बाप है हजूर, मेरा छोटा सा बच्चा है, अब मैं भूखे मर जाएंगे हजूर, इस जमीन के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है हजूर। खाना लाई हूँ, खा लो। मैं भी खाऊं? खा लो जी, मिन्नत करती हूँ। न खाने पीने से भला कब तक कटेगी? आज 2 रोज से अनाज का एक दाना भी तुम्हारे मुंह में नहीं गया। मर्द मानस हो, इतना भी क्या घबराना? हम कैसे नहीं पा रू, मैं गरीब किसान हूँ, जिंदगी में 50 रुपए भी कभी एक साथ नहीं मिले, 235 रुपए मैं कहाँ से जुटाऊंगा? ये सब बाद में सोचा जाएगा, पहले खा लो, लो खा लो। रोटी गले से नीचे नहीं उतर, घर जा, कुछ ना कुछ करना ही पड़े। शंभू, अरे ओ शंभू, इस कड़कड़ाती धूप में कहाँ गया था? अभी अभी हुक्का ताजा किया है तो दम तो मारता जा। अरे आ आ, पर्ची हुई थाली और भरा हुआ हुक्का, जो छोड़ के जाए सो अभागा। अभागा मैं नहीं हूँ तो और कौन है चाचा? ले, पिछले 2 दिन से रकम जुटाने के लिए मारा मारा फिर रहा हूँ, लेकिन कहीं से एक पैसा नहीं मिलता। अभी चंदनपुर के महाजन के यहाँ से लौट रहा हूँ, पट्टा खट से बोला बंधक क्या रखोगे, पहले ये बताओ बंधक क्या रखोगे। अब तुम ही कहो, बंधक रखने के लिए मेरे पास क्या रह गया है चाचा? जो बासन बर्तन बेचकर हाथ लगा था वो तो कचहरी के मामलों में चौपट हो गया, बहुत हाथ पांव जोड़े पर वो नहीं पिघला। अरे पिघल चुका वो पत्थर, हमारी मुसीबतों से ही तो उसे लाभ है। अरे हाँ, एक बात तो मैं तुझसे कहना ही भूल गया, मेरा जवाई कल कलकत्ते से लौट आया। आ गया राम? हाँ आ गया, शहर जाकर तो लोग बिल्कुल ही बदल जाते हैं, अब कौन कह सकता है कि वो मेरा जवाई है? इतना लंबा कोट पहनता है, कमर में बैलेट बांधता है, जहाँ नौकरी करता है ना वहाँ से उसे पोशाक भी मिलती है। कहाँ काम मिला उसको? वो कलकत्ते में बड़ा भारी अंग्रेजी होटल है ना, क्या नाम उसका, हाँ फरप्पो, वहाँ बॉय का काम करता है। बॉय? वो क्या काम होता है चाचा? होगा कोई बड़ा होता, मैं क्या ये सब जानता। कल वो शहर की सब बातें सुना रहा था, कहता था कि कलकत्ते में तो रुपए बस हवा में उड़ते फिरते हैं, बस पकड़ो और जेबें भरते जाओ। तू भी एक दफे कलकत्ते जाकर कोशिश कर देखना। कैसे जा सकता हूँ चाचा, कोई जान पहचान भी तो होनी चाहिए। अरे जान पहचान तो जाने से हो ही जाएगी, यहाँ गांव में बैठे बैठे 3 महीने में क्या इतनी बड़ी रकम जुटा सकेगा तू? क्यों, क्या सोचता है? बात तो तुम खड़ी कह रहे हो चाचा, अच्छा बाबू से एक बार सलाह कर। अच्छा
नहीं बाबू, यहाँ तो कहीं से भी पैसे नहीं मिलते। शहर जाकर कोशिश करनी चाहिए, क्यों, क्या कहते हो? अब क्या कहूँ बेटा, मेरा मगज तो काम नहीं करता। आखिर जमीन तो बचानी ही है, जो ठीक समझे कर दे। और कोई रास्ता नहीं है बापू। सोचता हूँ कल ही कलकत्ते चला जाऊं। कलकत्ते? एक बार और सोच दे बेटा, परदेश जाकर क्या करेगा, कहाँ रहेगा, न कोई जान न पहचान। जान पहचान तो वहाँ जाने पर ही होगी बापू, तुम फिक्र न करो, मुझे जाने दो। कहाँ जाओगे बापू? कलकत्ते। कलकत्ते? वहाँ तो रेलगाड़ी पर चढ़कर जाना होता है ना दादू? हाँ बेटा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा बापू, मैं कभी रेलगाड़ी में नहीं बैठूं। अरे तू किधर जाएगा, अभी मेरा ही वहाँ ठिकाना नहीं है। नहीं बापू, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अरे तू चला जाएगा तो तेरी माँ की देखभाल कौन करेगा? क्यों, तुम जो हो माँ की देखभाल करो, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ। बड़ा न होने से शहर नहीं जाते। वाह देखो तो कितना बड़ा हो गया। बापू मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं कहता हूँ तंग मत करनी, तो मार मार कर हड्डी पसली कर दूंगा। तुम कलकत्ते जा रहे हो? हाँ बाबा। नहीं तुम मत जाओ, यहाँ कितने ही लोग मजदूरी करके कमा लेते हैं, मैं भी कोई काम ढूंढूंगी। बस बस रहने दे, हमारे घराने की किसी बहू ने आज तक नौकरी की है जो तू करेगी? तो थोड़े दिनों की तो बात है, देखते देखते कट जाएंगे। नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, शहर अच्छी जगह नहीं, वहां जाकर तुम मुझे भूल जाओगे। ओ ये बात है, अरे पगली तेरे जैसी परी जिसके घर में हो वो दूसरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, तो कुछ सोच देख पा रहा हूं। इन 10 वर्षों में एक दिन के लिए भी तुझसे जुदा नहीं हुआ, पर अब क्या करूं, मैं मजबूर हूं। एक बात बताऊं? क्या सच? कब तक? अभी देर है। लड़का या लड़की? वाह जी ये कैसे बता सकते हैं? तब तो जाना ही पड़ेगा, पर लड़का हो या लड़की उसे बड़ा होकर यह ना देखना पड़े कि उसका बाप रास्ते का एक भिखारी। बापू आया बेटा। अच्छा बापू मैं जा रहा हूँ, तुम घर बार का ख्याल रखना। रमजान से मैंने कह दिया है जमीन का काम धाम वो देख लेगा। कितने बजे गाड़ी छूटती है? 9 बजे बापू। तब तो देर करना ठीक नहीं बेटा, राम का नाम लेके चल दे। पालागी बापू। भगवान तुझे सहारा दे, पहुंचने की खबर देना। हाँ जरूर। तेरा शरीर ठीक नहीं है, जरा होशियारी बरतना पार्वती। बचवा कहाँ गया, उसको नहीं देखा? उसे तो मालूम था कि आज तुम जा रहे हो, न जाने सवेरे से ही कहाँ चला गया। कल मैंने उसको बहुत डांट दिया था, शायद इसीलिए रूठ कर कहीं छिप गया है। जाते वक्त उसको देखने को बहुत मन चाहता था। अच्छा चलो ठहरो। जल्दी लौटना। हाँ हाँ 3 महीने तो देखते देखते कट जाएंगे। चलो मैं तुम्हें थोड़ी दूर छोड़ रहा हूं। तेरा शरीर ठीक नहीं है, जरा ख्याल से रहना, मैं जाता हूं।
फिर रोना शुरू कर दी। इसमें रोने की क्या बात है, लोग क्या कलकत्ते नहीं जाते? क्या जाने, मन जैसे बार बार कह उठता कि मैं फिर तुम्हें कभी नहीं देख सकूंगी। तू तो मुझे भी रुला। आंसू पहुंच, पहुंच आंसू, जा जा घर जा, नहीं तो मैं जा नहीं सकूंगा। जा गंगा और जमुना की तू गहरी है धार, आगे या पीछे सबको जाना है। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, 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 मौसम बीता जाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए ना आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। दिल क्यों मुड़ताए, मन की बंसी पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले। ओ, 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 मन की बंसी पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इसको तू फिर आए ना आए रे भाई रे। शहर छोड़कर गांव में बसना चाहिए, गो बैक टू विलेजेस। देश के गांव आदर्श गांव बने, उन्हें सुधारना हमारा फर्ज है। लेकिन गांव को सुधारने से पहले आदमियों को सुधारना चाहिए। मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। दवा खटमल मारने की दवा, दो आना, चार आना, आठ आना, एक रुपया। मेरे पास चार रकम की पुड़िया है, जिस साहब को चाहिए हाथ बढ़ा कर ले लें, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। बोली लाना भाई, ये किधर लाओ। बच्चा तू तू यहां कैसे? अब तो आ ही गया बापू, नाराज ना होना। मैंने रामू से कह दिया था, उसने माँ को बता दिया होगा। नालायक, तूने कह दिया बस सब हो गया,
जरूर वो बेचारी चिंता के मारे मरी जा रही होगी। बाबू कन्हैया का तो कहीं भी पता नहीं मिलता, सब जगह खो जाए, अब क्या करो? पर आन के घर में खोजा? हाँ जी हाँ, सब जगह देखा है। अच्छा एक बार स्कूल के मैदान में जाके देखती हूँ। काकी, कन्हैया अपने बापू के साथ कलकत्ते चला गया। हाँ काकी, वो मुझे स्टेशन पे मिला था, तुम तक खबर पहुँचाने के लिए कह गए। बैठे बिठाए एक और मुसीबत। बेचारा शंभू मेहनत मजदूरी करेगा या बचवा की निगरानी? अनजाना परदेश। सभी बातें अजीब। चल यहाँ काम मिलेगा बाबू? क्या चाहिए? मुझे कोई काम मिल सकता है यहाँ? यहाँ कचौड़ी समोसे रसगुल्ले मिलते हैं, काम उस सामने वाले दुकान में मिलता है। क्या कहा आपने? कौन सी दुकान बाबू? किसने तुम्हें कलकत्ते का टिकट दे दिया? कब आए यहाँ? आज ही। वो तो साफ मालूम हो रहा, जाओ अपना रास्ता ना पूछ। काम लेने आए काम। बाबूजी कहीं काम मिलेगा क्या? गरीब आदमी हूँ बाबूजी, मुझे काम चाहिए। बापू वो देखो एक दो छत का मकान चला जा रहा है। हाँ चल बापू, अब तो और चला नहीं जाता, थोड़ी देर यहाँ बैठकर दम ले ले। अच्छा बाहर एक कलकत्ता शहर, काम तो क्या पूछने पर कोई बात का जवाब तक नहीं देता, कल ही घर लौट जाएंगे। हाँ बापू, गांव बहुत अच्छा है, वहाँ दादू है, माँ है और चुप रह दे, तेरे कारण तो और भी मुसीबत हो गई। क्या करूं कहां जाऊं कुछ समझ में नहीं आता। क्या बात है, भूख लगी? कुछ खाएगा? अच्छा तो यहां बैठ, मैं कहीं से ढूंढ ढांड के कुछ खाने को जुटाता हूं। मेरे आने तक यहीं रहना, हिलना नहीं यहां से।
क्यों बे, ये घूर घूर कर क्यों देख रहा है? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर क्या किसी की जेब काटने गया था? जेब क्यों काटूंगा, जेब काटना तो बहुत बुरी बात है। अरे वाह रे युधिष्ठर, वाह। मेरा नाम युधिष्ठर नहीं, कन्हैया है। कन्हैया? वो मुरली वाला कन्हैया। अबे तू रहता कहाँ है? गांव में भाई, मैं और मेरे बापू आज ही यहाँ पहुँचे। तुम्हारा नाम क्या है? लालू, लालू उस्ताद। हाँ तो लालू। ए, लालू नहीं, लालू उस्ताद। हाँ हाँ लालू उस्ताद। तुम रहते कहाँ? मैं ग्रांड होटल। ग्रांड होटल वो कहाँ है? अबे वो देख, वो सामने कितना बड़ा मकान है, वो देख। इतना बड़ा मकान, तुम्हें उसमें डर नहीं लगता? तुम्हारे साथ और कौन कौन रहता है? यही 8-10 भिखारी, 2-4 पुली और एक खुजली का मारा कुत्ता, और कभी कभार 2-4 गाय भैंस भी ठहरती है। समझा नहीं ना? अरे ग्रैंड होटल के सामने फुटपाथ पर, अगर तेरे पास रहने का ठिकाना ना हो तो तू भी आ जाना। ले खा। अरे बच्चों उठ बैठ, मैं तो लुट गया, हमारी पोटली को उठा ले गया। अरे बापू लोटा भी नजर नहीं आ रहा। यहाँ तो कोई भी नहीं। अरे साहब तू देगा तो कुछ भी नहीं, उल्टे सब कुछ ले लेगा। अब क्या करूं, गांव से जो रुपया पैसा लाए थे वो तो सब इस पोटली में था, अब तो वापस भी नहीं जा सकते। hey! इतनी रात गया यहाँ क्या कर रहे हो? सिपाही जी मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरी सारी पूंजी चोरी हो गई। आज ही गांव से आए थे और कोई ठिकाना नहीं मिला तो यहीं पड़ के सो गए। ये सोने की जगह नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। और कहाँ जाए सिपाही जी, हम तो यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं जानते। कहीं भी जाओ मगर यहाँ ठहर नहीं सकते। हाय राम, अब कहाँ जाएंगे? चलो बापू ग्रैंड होटल चले। वो कहाँ है रे? वो देखो बापू, वो जो सामने सफेद मकान है ना, बस वही है, वहाँ मेरा दोस्त रहता है बापू। चलो चलो बापू। दोस्त आओ ना बापू, आओ बापू। बापू वो रहा मेरा दोस्त। लालू, लालू कन्हैया। अरे हाँ कन्हैया, ये सब जमीन अपनी ही है। अबे डर मत, मिल में काम करते हुए एक दिन इसका पैर कट गया था। अब भी कभी कभी सपने में देखता है कि चक्के में फंस कर इसका पैर कटने लगा है बेचारा। चाय गरम, गरम चाय। जय काली, कर दे घड़ा खाली। एक चाय दो भैया। हाँ बचवा, अरे वो बचवा उठ जा बेटा, उठ बचवा, ओ बचवा। अरे तेरा तो शरीर तप रहा है, ये बुखार कहाँ से समेट लिया तूने? हे भगवान अब क्या करूं।
गरम चाय से तुझे फायदा हो सकता था, पर अपनी टेंट में तो एक पैसा भी नहीं है। बापू, मेरे पास एक धोनी है। है? हाँ। निकाल जल्दी से, उठ। तू बैठ जा, मैं चाय लेके आता हूँ। भाई चाय वाले, एक चार पैसे की चाय देना। क्या मुश्किल है, कल ही गांव से आए हैं और बच्चे को बुखार ने आ घेरा है, कहीं रहने तक का ठीक नहीं। तुम कोई ठिकाना बता सकते हो भैया? तुम कहाँ रहते हो? अजी मैं लाला बाबू की बस्ती में रहता हूँ। हमें कोई कोठरी मिल सकती है वहाँ? हाँ मिल भी सकती है। कहाँ है ये लाला बाबू की बस्ती? वो सीधे जाकर उस मोड़ से बाएं घूम जाना, बस दो कदम आगे बढ़कर किसी से भी पूछने पर पता लग जाएगा लाला बाबू की बस्ती कहाँ है। अच्छा भैया, भगवान तुम्हारा भला करे। बमलेरी और प्रीत हो गहरी गहरी, अप्रीत हो गहरी। आ लगे चौबे जी। यह है उस्ताद। अरे भाई चाय की दुकान नहीं खुली? थोड़ी देर है उस्ताद। अच्छा बमलहरी और बम 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 बमलहरी। हाँ जी, इधर लाला बाबू की बस्ती कहाँ? सीधे ही चले जाइए, सामने चटर्जी की गली है, बस वहीं पूछ लेना। बमलहरी और बमलहरी और बमलहरी बम 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 बमलहरी, शंकर गौरा बमलहरी, कैलाश के राजा बमलहरी। क्या बेहूदा बात है, खुद तो बाल्टी पे बाल्टी भरे जा रही है और दूसरे को मुंह धोने तक पानी नहीं। ये छोकरी जरा बाल्टी हटा, मुझे पानी देने दे। खबर जाके मेरी बाल्टी को हाथ कर लगा है, मुंह तो दादी को बुलाऊंगी। हाँ हाँ, बुला दादी को। क्या कर लेगी दादी? अच्छा बुलाओ दादी को। दादी भाई, देखो लाला बाबू की बस्ती यही है ना? यहाँ का मालिक कौन है? मालिक नहीं, मालकन कहो यार, पर चाहो तो मालिक भी कह सकते हो। वो रही वो सब। अभी तो बाल्टी ही फेंकी है, तीन जवान चलाई तो तुझी को उठा कर पटक दूंगी। तूने बिंदी बारी वाली को अभी तक नहीं चेना। चल रानी चल, देखा दुलू है ना जबरदस्ती। ओ माँ एराबर कारा गो की चाओ बासा। दादी शायद तुम्हारी बंगला बोली नहीं समझते। ओ किधर से आया, क्या चाहिए? मुझे यहाँ रहने की जगह मिल सकती है? नहीं नहीं, यहाँ जगह तगा नहीं है। मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरे बच्चे को बुखार हो गया है। तो मैं क्या करूँ, जगह नहीं है, रास्ता देखो। क्यों दादी, वो पंजे मिस्त्री वाला कमरा अब तो खाली है ना, दे दो इन बेचारों को। तू सब पता चल उसका उसका इस तरह बोल तो। सुनो बाबा, एक कमरा खाली है, रोज का छह वाला भाड़ा लगेगा, सात दिन का भाड़ा एडवांस हो। ओमा इंग्रेजी भी नहीं समझता? अरे पेशगी पेशगी देना पड़ेगा। और सुन, तीन दिन का भाड़ा बाकी रहने से झाड़ू मार के निकाल दूंगी। ला पेशगी पैसा ला। पैसा तो मेरे पास नहीं। अरे भेज तो तब पैसा नहीं तो भाग भाग यहाँ से। अरे ओ नवाब के बेटे इधर आ, गुस्सा दिखा कर चला तो जा रहा है, उस रोगी बच्चे को कड़कती धूम में घुमा घुमा कर मारना चाहता है। जेब में ने काना कौड़ी और दिमाग है सोले आने। आ मेरे साथ आ। आओ ना। ले ये है कोठरी। कहाँ है तुम्हारा बिस्तर बिछाना? बिस्तर बिछाना तो कुछ नहीं, जो था सब चोरी हो गया। हाँ हाँ, सभी आके यही कहते हैं, वो रोगी बच्चा सोएगा कहाँ, अब बिस्तर भी मैं ही जुटा कर दूँ। अच्छा आदमी को घर भाड़ा दिए। ए रानी एक चटाई ला दे। अच्छा। देखो बाबा ये चटाई लेकर कहीं भाग ना जाना। नहीं, नहीं, हाँ हाँ, और सुन आज सांझ तक भाड़ा मिलना ही चाहिए मुझे। पैसे के बिना तो यहाँ सांस लेना भी मुश्किल है। आ बेटा आ, चुपचाप यहाँ लेट जा, मैं कोई काम काज ढूंढने जाता हूँ। अकेला घबराएगा तो नहीं? नहीं। अच्छा पर जरा जल्दी लौटना बापू। हाँ हाँ।
रावा खा के जान की कीमत लगाया कर। नहीं तो कहां सुलगाओ? अपने कमरे में लगा सुलगाओ। चला चला देता हूं, मेरी मर्जी हो जाए सुलगाऊंगा मैं। तू ही करा देता है, उठा कर तेरी गिनती बाहर। अरे लेके क्या करता है बाबा? शांति आपस में मत लड़ो बाबा। मैं दूंगा जाकर क्या है? अरे क्या हुआ, रोते क्यों हो भाई? दादी की बातों का बुरा ना मानना, वो मुझे तो बहुत बड़बड़ करती मगर दिल की बड़ी अच्छी। जानते हो वो असल में मेरी दादी नहीं, मैं बिहार की, हमारे घर छपरा में है। यहाँ है जैसे मेरे माँ बाप भाई सब मर गए, इसी ने मुझे अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर इतना बड़ा किया। मेरा भाई जो मर गया वो बिल्कुल तुम्हारी तरह था, तभी तो दादी से तुम्हें ये कमरा देने की सिफारिश की थी मैंने। तुम बहुत अच्छी हो रानी बहन। लाइए बाबूजी, मैं उठा देता हूँ। उठाएगा तू? उठा। जब तोरी दुनिया गजब तोरी दुनिया ओ मोरे रामा, गजब तोरी दुनिया ओ मोरे रामा। कदम कदम देखी भूल भुलैया, कदम कदम देखी भूल भुलैया, गजब तोरी दुनिया ओ मोरे रामा। ओ कोई कहे जग झूठा सपना पानी की बुलबुलिया हो, ओ पानी की बुलबुलिया, हर किताब में अलग अलग है इस दुनिया की हुलिया हो, ओ इस दुनिया की हुलिया। सच मानो या इसको झूठी मानो, सच मानो या इसको झूठी मानो, बेढब तोरी दुनिया ओ मोरे रामा, गजब तोरी दुनिया ओ मोरे रामा, गजब तोरी दुनिया ओ मोरे रामा। पर्वत काटे सागर पाटे महल बनाए हमने, ओ महल बनाए हमने, पत्थर पे बगिया लहराई फूल खिलाए हमने, ओ फूल खिलाए हमने। हो के हमारी हुई न हमारी, हो के हमारी हुई न हमारी, अलग तोरी दुनिया ओ मोरे रामा, गजब तोरी दुनिया ओ मोरे रामा, गजब तोरी दुनिया ओ मोरे रामा। ए बंद करो ये झमेला, दया धर्म सब कुछ बिकता है, लोग लगावे बोली हो, लोग लगाए बोली, मुश्किल है हम जैसों की खाली है जिनकी झोली, खाली है जिनकी झोली। जब तेरे बंदों की जान बिके ना, जब तेरे बंदों की जान बिके ना, है सब तोरी दुनिया ओ मोरे रामा। तुझे हाड़ी छिपाना सिखा देती हूँ, ठहर जा जरा। आजकल करते करते 15 दिन हो गया, भाड़ा देने को नाम तक नहीं। मेरे पाँव पड़ता हूँ, आज रात तक अगर सब पैसे ना चुका दी तो मेरे मुँह मुंडा देना। वो सब बहाना मैं नहीं सुनना चाहती, तू मेरे घर जा। ए रानी, रानी क्या है दादी? इसके सामान सब बाहर फेंक दे, फेंक दे। आज की मलाई कुल्फी बहुत अच्छी बनी है, तुम्हें खा के देखो ना। इन बातों में मैं नहीं आने की, समझा? निकल, अभी निकल, निकल। खत्म खत्म। ए सुन,
आज रात में भाड़ा ना मिला तो याद रखना। अच्छा अच्छा मलाई कुल्फी। ये रहे भाड़े के पैसे। अरे तू बाप है कि कसाई, पैसे के मारे सारा दिन घर से बाहर ही बिता दिया। अब कैसा है बचवा? अरे रहने दे, ज्यादा ममता दिखाने की जरूरत नहीं, चल रहने चल। बचवा बचवा। बापू क्या हाल है बेटा? ठीक हूँ, अब तो मेरा बुखार उतर भी गया बापू। हाँ हाँ बेटा, शुक्र है, भगवान का शुक्र है। भगवान तुम्हारा भला करे, रात दिया तो चला था, रात कितनी बाकी है, भोर होने ही वाली। तुम? मैं कल ही यहाँ आया, तुम्हारे साथ वाली कोठरी। मुझे तो कल रात से बहुत जोरों का बुखार आ रहा। ओहो चिंता ना करो भैया, अच्छे हो जाओ। भाई तुम मेरा एक काम कर दोगे? क्या? वो मेरी रिक्शा है ना। रिक्शा? हाथ गाड़ी। हाँ हाँ। जहाँ बैल बंधे ना वहाँ पर रखी है। हाँ। उसे रिक्शा मालिक के पहुँचा दोगे? अगर भोर होने से पहले न पहुँचा दी गई तो वो मुझसे एक दिन का किराया और ले लेगा। पर मुझे तो यहाँ के रास्ते मालूम नहीं। कोई बात नहीं, बड़ी सड़क पर जाके किसी से भी पूछ लेना कि नंदी बाबू की रिक्शे की खटाल कौन सी है। नंदी बाबू की खटाल? हाँ। अच्छा भैया पहुंचा दूं। लेकिन देखो तुम्हारे पास रिक्शा का लाइसेंस नहीं है, पुलिस से जरा बच कर जाना। हाँ। अच्छा बाबूजी, ये गाड़ी नहीं जाएगी। नहीं बाबूजी क्या? ना नहीं बाबूजी। नहीं बाबूजी क्या? चल मुझे स्टेशन जाना है, नहीं तो पुलिस बुलाता हूँ। इधर ला, रख नीचे रख, रख। बस बस रुके, अबे नीचे रख, उतरूंगा कैसा? नहीं नहीं मालूम होता है। दोन है? दोन है? नहीं? अच्छा ले। आठा नहीं? ये लो आठा नहीं। कैसे? रिक्शा छोड़ने जा रहा था, एक बाबू ने पुलिस का डर बताया और रिक्शा में जबरदस्ती बैठ गया, ये आठ आने उसी ने दिए। भगवान बड़ा अच्छा हुआ कि ये पैसे मिल गए, कल बुखार की वजह से कुछ भी नहीं कमा सका। तुम तो अपनी हालत जानते हो, रोज कमाना और रोज खाना बड़ी चिंता लगी हुई है। चिंता क्यों भैया, जब तक तुम बीमार हो तुम्हारा खाना पीना मेरे ऊपर रहा। तुम मुझे रिक्शा चलाना सिखा दो, मैं भी रिक्शा चलाऊंगा। बड़ा जानलेवा काम है। होने दो भैया, अगर ढाई महीने में 235 रुपए नहीं कमा सका तो मेरी जमीन जायदाद सब हाथ से निकल जाएगी। मुझे कायदा कानून सिखाकर लाइसेंस का बंदोबस्त कर दो। लाइसेंस मिलना इतना आसान नहीं। खैर मैं अच्छा हो जाऊं तो मैं सब कुछ सिखला दूंगा, सब कुछ सिखला दूंगा। रोको। अरे क्या करता है, रिक्शा उलट जाएगी, इस तरह कहीं रिक्शा रोकते हैं? तुमने तो कहा रोको। हाँ हाँ, मगर रोको सुनकर रिक्शा को आहिस्ता करके बाएं हट के रोका। हाँ, अच्छा चल थोड़ी मेहनत और कर लो। साफ ठीक चल। शाबाश, अब तो बिल्कुल सीख गया।
बापू बड़ा मजा आ रहा है, जरा तेज चलाओ ना। और तेज बापू, और तेज, और तेज बापू, और तेज। साधु संग में हरदम फिर छोड़ दो रानी, जरा मेरा नाम तो बता। क्या अपना नाम तू नहीं जानता? तू बता ना। क्यों प्रीतम? जरा एक बार और बोल। प्रीतम। ले दो रन मुस्कर। ओ प्रीतम के बच्चे, रानी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। बापू आ गए, बापू आ गए। ये ले बेटा, जरा पेन तो देखो। कहो शंभू, आज का दिन कैसा रहा? अच्छा रहा भैया। रिक्शा मालिक का किराया चुकाकर कुछ 150 रुपए बचे थे। बच्चे के पास पहनने को कुछ नहीं था, उसके लिए गंजी ले आया। बड़ा अच्छा किया। अब बेटा दिखाओ। वाह वाह, क्या कहने, तू तो इसमें बड़ा सस्ता है रे। हाँ हाँ, बिल्कुल राजकुमार मालूम होता है। अरे कौन राजकुमार आ तक का यहाँ? देखो ना दादी, कन्हैया बिल्कुल राजकुमार मालूम होता है। हद कर दी तूने भी रानी, एक रिक्शा वाले का लड़का और राजकुमार। अरे मुंह क्यों देखता है? नया कपड़ा पहना, बाप के पाँव तो छू। अरे बस 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 बस, देख ये पैसे गिन के और संभाल के अंदर रख दे। अच्छा बाप, अब तो भैया एक एक पाई को दांतों से पकड़ना पड़ेगा। ठीक कहते हो। बहू तुझे तो आजकल रोज बुखार हो जाता है, और हजार बार मना करने पर भी तू फिर गहरे पानी में घुसकर सिंघाड़े तोड़ लाई। क्या करूं बापू, पेट भरने के लिए कुछ कुछ तो चाहिए। हम गरीबों के पास तो और कुछ नहीं है। अगर ये पापी तेज भी न होता तो गंगू महतो घर में हो। कौन और कौन? वही बेशरम नायक है। इस निगोड़े के मारे तो रास्ता चलना मुश्किल हो गया है। कहीं देख लेता है तो आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लग जाता है। आज घर ही पे आ गया है। चलो बापू, तुम उसे बाहर ही जाकर बात करा। क्या बात है, कोई आहट तक नहीं मिल रही? ओ ये रहा। पास से गुजर रहा था, सोचा तुझसे मिलता चलो। अरे तुझे हो क्या गया है? हम आए हैं, तूने बैठे तक को नहीं कहा? ओ, अरे बहू जरा चटाई तो दे जाना बेटी। गंगू क्या हाल चाल है? हमारा क्या हाल चाल होगा बाबू। ये शंभू की बहू है ना? जी हाँ हुजूर। क्या शक्ल निकल आई है इसकी। हाय 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 हाय, क्या रूप था बहू का। उसे तो आजकल रोज बुखार हो जाता है, उस पर न कुछ खाने को न पीने को। खाने पीने क्यों नहीं? क्या शंभू कलकत्ते से कुछ नहीं भेजता? कहाँ हुजूर, उसे गए आज 20 दिन हो गए, एक चिट्ठी तक नहीं आई। एक चिट्ठी तक नहीं आई? सुनाए वो तो वहाँ गुलछर्रे उड़ा रहा है और तुम्हें खबर तक नहीं देता। मेरा शंभू अच्छी तरह है ना नाथ जी? अच्छी तरह है मैंने? अरे बहुत अच्छी तरह है। अभी कल ही मेरा भतीजा कलकत्ते से आया है, वो वहाँ रास्ते में शंभू से एक दिन मिला था। शंभू ने उसको देखकर मुंह फिरा दिया, बात तक नहीं किया। अरे वही जो शहर में जाकर होता है। यानी कि शंभू अब बिल्कुल बह गया। लेकिन हमारे रहते हुए तुझे किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। बहू को हमारे घर भेज देना, उसे गेहूं और चावल वगैरह दे दूंगा। और हाँ, बुखार की शर्तिया दवा भी है मेरे पास, वह भी दे दूंगा। अभी तो मैं बाहर जा रहा हूँ, शाम को बहू को भेज देना। शंभू की बात सुनकर के तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। गोविंद गोविंद। अच्छा मैं चला। बहू सुन लिया ना नायब जी शंभू के बारे में क्या कह गए? नहीं नहीं बापू, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये सब उसका ढोंग है। तेरी बात ठीक हो बेटी,
राम करे तेरी बात ठीक हो। रिक्शा वाले, हम लोगों को 4 बजे की छुट्टी होती है, ठीक वक्त पर आना। हाँ हाँ अच्छा। देर न करना, मुझे बहुत भूख लगती है। हाँ हाँ अच्छा, बिल्कुल देर नहीं करेंगे। लालू सर, ओ लालू सर, कन्हैया यार तू पूरा चपड़ घंटू है, काम से जा रहा तूने टोक दिया। कहाँ जा रहे थे? बगदाद है। अबे यार बगदाद सिनेमा, रंजन है उसमें। वाह वाह, क्या तलवार चलाता है। सेट सेट सडा, क्या जान से मार देता है। हाँ चल, चलता है ना बाबा? अबे चल मैं दिखाऊंगा, आज जेब गरम है अपनी, सालिम 2 रुपए कमाए। हाँ 2 रुपए इतने कहाँ से मिले? अरे जूता पॉलिश करके, आज एक असली साहब फंसा, ऐसा जूता पॉलिश किया के बेटा कायल हो गया, हैंड शेक करके अंग्रेजी में बोला वेरी गुड फर्स्ट क्लास, और फटाक से 2 रुपए हाथ पर धर दिए। 2 रुपए वही बैठ कर जूता पॉलिश करते हो? अबे चटनी के, मेरा एक ऑफिस छोड़ी, आजकल पार्क स्ट्रीट में बैठक होती है अपनी। अच्छा टाटा है। अबे टाटा ये बताओ जाल छोला। क्या बचीवा, क्या बात है? बाबा तुम मुझे एक बक्सा बना दोगे? कैसा बक्सा रे? जूता पॉलिश करने का। वो तू क्या करेगा? बापू की तरह तुम्हारी तरह मैं भी कुछ कमाऊँ, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ ना, मैं भी कुछ कमा सकूँ तो बापू का भार जरा हल्का हो। शाबाश मेहनती बाप के मेहनती बेटे, बना दूंगा, जरूर बना दूंगा, इस वक्त रात हो गई है ना, कल बना दूंगा। अच्छा पर बाबा बापू को अभी नहीं बताना, बहुत से पैसे कमा के दूंगा ना तो वो हैरान रह जाएंगे। अच्छा 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 बाबा। अच्छा हाय रे गरीबी, इन खेलने और खाने के दिनों में भी कमाई की चिंता। तू बाबा बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल वैसा ही। जरा सुस्तने लगी थी कि बस शुरू हो गए तुम्हारी खटखट। ओ एक बुरा खुसाज भी साथ शामिल है। किछु ना माँ, खोखा जो ने एक खिलौना बनाची। थाम थाम तो कर बांग्ला बोलता हवेन। हम तो एक रिक्शा बना रहे थे दादी तुम्हें बिठाने के लिए, लेकिन बाबा रिक्शा तो जरा छोटी पड़ेगी ना, बल्कि तुम्हें एक लारी बना दो। मेरे भी मस्का ही हुआ तो है, ठहर जा जा है। ए रानी जब हो, अब देखो अब ये सब बंद करो। बन गया माँ, बन गया बन गया। अरे हाँ बचुआ, हाक लगा सकता है ना? हाँ हाँ। तो जरा बता के भला कैसे? वाह ऐसे। आओ बाबूजी आओ, फुट पॉलिश गुड पॉलिश एकदम बढ़िया पॉलिश, जूते में चमक आ जाएगी बाबू, जूते में जान पड़ जाएगी। पॉलिश करने का क्या लेगा? सिर्फ 2 आना बाबूजी, आप तो कोई ज्यादा थोड़ी लेगा। 1 आना देगा। 1 आना? 1 आने में जूता पॉलिश नहीं होगा, सिर्फ पैर पॉलिश हो सकता है। अरे कन्हैया तू आज तो बड़ा सग रहा है रे, आ बैठ, तू भी हमारे ऑफिस में भर्ती हो जा। वो साला क्या पॉलिश करेगा, अभी कुछ भी नहीं जानता। अब कन्हैया तू अपना काला पॉलिश तो दे। मेरे कन्हैया ये 6 पैसे तेरे और 2 पैसे मेरे। वाह
मैं क्यों नहीं, मेरे तो तुमने की है। मैं कहता हूँ ले, तू समझ रहा था मैंने तेरा ग्राहक छीन लिया है? अबे तू अनाड़ी है, उस बाबू ने मोजा पहन रखा था, अगर गलती से उसके मोजे पर पालिश लग जाता तो उसका पैर जूते समेत धड़ाम से थोपड़े में पड़ता है। हाँ। मेरे पास काला पालिश नहीं बाबूजी, उसके पास कराइए, फर्स्ट क्लास पालिश करता है। हाँ, घर पे का नहीं बाबूजी का पालिश कर। ओ बाबूजी पालिश बड़े बाबू, कलकत्ते में आए के पालिश ना कराए के चले नहीं जाना, ओ बाबूजी चले नहीं जाना, चले नहीं जाना। क्यों कन्हैया नहीं लौटा ना अभी तक? नहीं लौटा, सांझ हो गई, अगर उसका बाप लौट के उसे न देखेगा तो बड़ा छटपट आएगा। उसके लिए सड़के और रास्ते सब अनजाने हैं, कहीं घूम तो नहीं हो गया। अगर कन्हैया ना मिला तो? आओ शंभु आओ। कहो आज का दिन कैसा रहा? बड़ी मंदी है भैया, 20 रोज जान लड़ाई है लेकिन 50 रुपए भी तो नहीं बना। क्या कहूँ क्या होगा कुछ समझ में नहीं आता। अरे ताला पड़ा हुआ है, बचवा कहाँ? अभी अभी तो वो यही कहीं खेल रहा था। क्यों री, वो तो तेरे साथ खेल रहा था ना। हम दोनों बैठ के तो कोई गया था, कहीं सड़क पर तो नहीं चला गया? अच्छा मैं देख के आता। नहीं नहीं तुम क्यों जाओ, हके मांगे आए हो, ये लो चाबी, आराम करो मैं देख के आता हूँ। अरे आहिस्ते, इतनी देर कहाँ कर दी, तेरा बाप कब से आके बैठा हुआ है पता? आज कुछ आमदनी हुई? हाँ बाबा, आज मैंने 12 आने कमाए हैं, और देखो माँ के लिए मैं 2 लाल चूड़ी खरीद कर। शाबाश, अच्छा किया। अच्छा बाप को पैसे दिखा के चौंका दे रहा। अच्छा आगे जा, जा। बाप को कहाँ था बे, कितनी बार तुझे कहा है मेरे पूछे बगैर घर से बाहर कदम न रखा कर। इधर ये क्या, पैसे चूड़ियाँ? मैं अपना खून देकर पैसा कमाता हूँ और तू लुटा रहा है। शंभू, तूने इस पर हाथ उठाया, तूने इसे मारा? मारो नहीं, ये देख पैसे चुरा के ये चुरा। माफी मांग, मैं कहता तू इसे माफी मांग, हाथ जोड़ के माफी मांग। दूध पीते बच्चों ने सारा दिन मेहनत करके पैसे कमाए और तूने इसे कमाए? हाँ। ये देख तेरे लिए इसने आज से जूता पाले का काम शुरू कर दिया और तूने इसे चोर करके मारा। शंभू तूने इसे नहीं पहचाना, शंभू तूने नहीं पहचाना। तू मुझे मार, 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 मार। मेरे लाए। बहुत चोट लगी थी? नहीं बापू, नहीं। मुझे किसी बात की चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, मेरा बच्चा भी रोजगार करने लग गया। मैं कल ही तेरी माँ को सारी रकम भेज दूंगा, उसको लिखूंगा तेरा बच्चा भी रोजगार करने लग गया। हाँ तेरा बच्चा, मेरा बच्चा, हमारा बच्चा। गंगू मैं तो घर पर हो। भाई तुम्हारे नाम मनी ऑर्डर आया है, रुपए भेजे हैं। रुपए किसने भेजे हैं? शंभू महतो ने। शंभू ने? अरे बाबू जल्दी आ, शंभू की खबर आई है। कौन आया है? अरे कोई आया नहीं। शंभू ने रुपए भेजे हैं। साथ में कोई चिट्ठी नहीं आई, वो कैसे है? मेरा कन्हैया कैसा है? ना चिट्ठी तो नहीं, इस कूपन पर कुछ लिखा है। क्या लिखा है भाई, जरा पढ़ दो ना, हम दोनों को तो पढ़ना नहीं आता। बापू ये 48 रुपए 8 आने भेज रहा हूँ, हर 15 दिन बाद भेजा करूँगा, संभाल के रखना। हम दोनों ठीक है, अपना पता लिख दिया है, चिट्ठी लिखना इति शंभू। फिर लिखा है इन रुपयों में कन्हैया की कमाई भी शामिल है, लो। बाबू, बाबू सुना तुमने क्या लिखा है? हाँ बिटिया, मेरा कन्हैया भी रोजगार करता है आजकल। भगवान करे वो जुग जुग जिए। ले बिटिया इन रुपयों को ठीक संभाल के रख ले। बापू
तुम्हारी खांसी तो बहुत जोर पकड़ गई है, ठीक होने में ही नहीं आती, दवाई की जरूरत है। आज जो पैसे आए हैं उनमें से 8 आने लेकर मैं तुम्हारे। खबरदार बिटिया, उन पैसों को छूना तक नहीं। मैं बूढ़ा पास कुछ कमा नहीं सकता, इसी बात का मुझे बहुत दुख है। उल्टा मुझ पर खर्च करने की बात कहकर मेरे दुख को और न बढ़ा बेटी। अच्छा बापू, मिश्रा जी की बहू ना सिंगाड़े मंगवाए हैं, अगर वहाँ से पैसे मिल गए तो मैं दवाई ले आऊंगी। कर गाना बंद करने को मन नहीं चाहा, इसलिए यहीं बैठी सुनती रही। कितनी प्यारी आवाज है तुम्हारी, जैसे भगवान ने सारी मिठास तुम्हारे ही गले में उंदेल दी है। ये क्या लाई है? तुमने सिंगाड़े मंगवाए थे ना, ले आई हूँ। अच्छा किया, मैं पैसे ले आऊँ। एक काम करना होगा, एक चिट्ठी लिख देनी होगी। किसे? बोलना, तेरे घर वाले को? तो इसमें शर्माने की क्या बात है, सभी तो लिखती है। ठहर, मैं कागज कलम ले आऊँ। बोल, क्या लिखना है? ओ मैं कैसे बताऊं, क्या मैंने कभी चिट्ठी लिखी? तुम जो ठीक समझो वो लिख दो। तू अपने घर वाले को क्या लिखना चाहती है ये मैं कैसे जान सकती हूँ? बोलना क्या लिखना है।
लिखना, पैसे मिल गए वो तो ठीक, लेकिन शुरू किस तरह करना है? तू उसे क्या कहकर पुकारती है? वाह, कहीं अपने घर वालों को भी पुकारा जाता है? क्यों नहीं, सभी पुकारती है, तू उसे क्या कहकर पुकारती है? बोल बचवा के बापू। लेकिन चिट्ठी में तो बचवा के बापू लिखने से नहीं चलेगा, कोई और नाम सोच ले। मुझे तो शर्म आती है, तुम्हें लिख दो ना। अच्छा तो प्राणनाथ आगे बोल। रुपये मिल गए हैं और बापू को कई दिन से बुखार नहीं हुआ, अभी तो बहुत रुपये बाकी है, न जाने क्या होगा। और लिखना चिट्ठी, जल्दी जल्दी लिखा करे। क्या बचवा भी अपनी माँ को भूल गया? उसे देखने को प्राण तड़पते हैं, प्राण तड़पते हैं। बापू चिट्ठी आई है, शायद तेरी माँ ने भेजी होगी, जरा पढ़ तो। अच्छा बापू, प्राणनाथ। बापू ये प्राणनाथ किसका नाम है? तो इसको छोड़ आगे पढ़। रुपए मिल गए, बापू को कई दिन से बुखार नहीं आया, अभी तो बहुत रुपए बाकी हैं, क्या होगा नहीं जानते। चिट्ठी जल्दी जल्दी लिखा करो, क्या बछुआ भी अपनी माँ को भूल गया है? उसे देखने को प्राण तड़पते रहते हैं। अरे रोने लग गया? हाँ पागल कहीं का, अब थोड़े ही दिन रह गए हैं, अब हम जल्दी ही घर लौट जाएंगे। चारा ना ये क्या, दो आने और लाइए ना। जाजा चारा ने तो रेट है। वाह बाबू, रेट वेट हम नहीं जानते, आप ही ने तो कहा था तीन आदमी बिठा लो, दो आने और देंगे। लाइए दो आने और दीजिए ना। दे दे भाई दे दे, क्यों दो आने के लिए एक नीच आदमी से बहस? हाँ हाँ हम तो नीच ही आदमी है, लाइए पैसा दीजिए। वाह क्यों भाई, क्या बात है? सड़क तवे की तरह तल रही है भैया, पांव जल गए। अरे एक ऐसा कपड़े का जूता ही खरीद लो। जूता? हाँ हाँ। कितने में आ जाएगा भाई ये? कोई दो ढाई रुपये में। दो ढाई रुपये में? हाँ। नहीं भाई हमें जूता वूता नहीं चाहिए, हम तो पांव में चिथड़े लपेट कर ही गुजारा करते। तुम भी पूरे मक्खी चूस हो यार। मक्खी चूस है मक्खी चूस, दो पैसे की आइसक्रीम भी नहीं खरीदता। अरे बाबा मैं नहीं खाऊंगा। अबे वो है ही ऐसा, कल मैंने उससे कहा चल बे कन्हैया हमारा देखे है नरगिस है उसमें, तो कहने लगा मेरे पास पैसे ही नहीं है। क्या गाना था उसमें, आवारा हूँ आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान। अब वो देखा हमारा बुसरक नी कपड़े उतार रही और हीरो खड़ा देख रहा है, मैं एक ऐसा ही बुसरक जरूर बनवाऊंगा। अरे हाँ बनवा लेना ना, पहले अपनी गंजी का रोशनदान तो बंद करा। ए रिक्शा वाले, अब हम रिक्शे पर नहीं जाएंगे, पैदल जाएंगे। क्यों रानी बिटिया? हमारी पिताजी की नौकरी छूट गई रानी। हाँ। तू चुप रह, तुम जाओ रिक्शा वाले। ओ रिक्शा वाला, अच्छा तुम दोनों अंदर जाओ। देखो रिक्शा वाला, अब कल से तुमको नहीं आना होगा, महीने के आखिर में आकर अपना बकाया ले जाना। अच्छा बाबू। रिक्शा वाला चल। नहीं बाबू भाड़ा है। रिक्शा आ रहा नहीं बेटा, बैठ। नहीं नहीं आप पिताजी भाड़ा नहीं दे सकते। अरे भाड़ा कौन मांग रहा है? जी जी मेरा पांव दुखता है। हाँ देखो इसका पांव भी दुख रहा है। अब
मैं ठीक 4 बजे आकर तुम्हें लेने जाऊंगा। बापू ये ले, एक गिन कर रख दे और फिर बाहर जाकर कुछ खा पिए। हाँ बापू, बहुत भूख लग रही है। कितने हुए? 1 रुपए 2 आने बस। और वो बच्चों वाली नौकरी भी चली गई। तुझे आज कितने मिले? 15 आने दे, ये 2 आने ले ले और तू जाके खा पिया। मेरी तबीयत आज ठीक नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। लौट क्यों आया रे? बापू अचानक मेरे पेट में बड़ा दर्द होने लगा, आज मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। बच्चों तो समझ गया रे बेटा, लेकिन इस तरह भूखे रह रहकर हम कितने पैसे बचा सकते हैं? मेहनत पूरे होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए, हमें और मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। कम से कम 4 रुपए रोज तो कमाने ही होंगे, नहीं तो सब हाथ से चला जाएगा। देख बेटा, तू 1 रुपया रोज कमा लिया करेगा। हाँ बापू। नहीं नहीं, जैसे भी होगा 3 रुपए रोज पैदा कर लिया करूंगा, दिन रात मजदूरी करूंगा। मिल गई होगी, अभी लौट आएगा। लेकिन बाबा उन्होंने इतनी देर तो कभी नहीं की, मैं जरा पान वाले की दुकान तक जाकर उन्हें देखा। अच्छा। उस्ताद, एक पैकेट गोल्ड फ्लैक्स। बहुत अच्छा उस्ताद, पैसे लिख लेना। बापू अभी तक गेरे पर नहीं लौटे, उन्हें इधर से जाते हुए देखा है क्या? नहीं तो तेरा नाम क्या है?
अबे तुझी से पूछ रहा हूँ, नाम क्या तेरा? कन्हैया। कन्हैया, वाह 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 वाह, नाम तो कसम उस्ताद की एक नंबर है तेरा। क्या करता क्या है तू? जूता पॉलिश। तोवा तोवा। दो पैसा दे। हाँ। पैसे सिगरेट पी? मैं नहीं पीता। हिम्मत सुनगा मारू भूत कहेगा। खबरदार मुझे पूछ पूछ मत कहना। शाबाश बेटा, तो तुझमें भी दम है। तुमने उस बाबू की जेब से पैसे क्यों खिसकाए? ठीक ही किया, वे इन बाबू लोगों की जेब ही तो मेरा बैंक है, जब जरूरत हुई पैसे निकाल ले। चोर कहीं का। अबे रहने दे, दुनिया में सब चोरी है। अब आप क्या करता है? ओ, मैं बापू को ही खोजने आया था, मैं जाता हूँ। ये रही दवा, अस्पताल वालों ने कहा है कि 10-15 रोज बिछाने से नहीं उठना चाहिए, खून ज्यादा निकल गया है, इसलिए खाना पीना जरा ठीक करना चाहिए। एक प्याली तो ले आ दे। नरो बचुआ, नरो बचुआ। दूध तो नहीं है, मेरे दादी ने ये पाली भिजवाई है। दूध नहीं है? उठो, बहुत देर से बैठे हो, ला मैं हवा कर देती हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, अब ये सो रहा है, इसे आराम करने दो। आओ चलो। कौन है? मैं। क्या कर रहा है? पैसे निकाल रहा था, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे शरीर से बहुत खून बह गया है, इसलिए तुम्हें अच्छा खाना पीना चाहिए। खबरदार, मैं से एक पैसा भी खर्च नहीं कर रहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो तू ही तुम्हें फिर रिक्शा लेकर निकल पड़ूंगा। बच्चा तू ये 2 दिन और ज्यादा मेहनत कर ले बेटा, एक पैसा भी फालतू खर्च नहीं करना बेटा, दिन बहुत ही कम रह गए हैं, दिन बहुत ही कम रह गए। लो देखो आज फिर यहां हाजिर। मैं कहता हूं तुम रोज इतनी दूर तक क्यों आती हो? चिट्ठी आने पर मैं खुद ही पहुंचा दूंगा। नहीं, बहुत दिन हो गए, कोई भी खबर नहीं, मेरा कन्हैया ही। अजी नहीं, इसमें फिक्र की कोई बात नहीं, चिट्ठी आते ही मैं जरूर पहुंचा दूंगा, इसी बात का तो नौकर हूं। चंदनपुर से, तब तो तू जरूर डाकखाने गई थी, है ना? क्यों, कोई चिट्ठी मिली? नहीं मिली। तू तो इस तरह मर जाएगी पगली, रोज आधा पेट खाना और चिट्ठी के लिए 2-3 कोस दौड़ना, इतना घबराती क्यों है तू? घबराऊं ना तो क्या करूं,
उनकी कोई खबर ही नहीं मिलती। जमींदार के अभी 50 रुपये और देने हैं। नियत पूरी होने में तो बहुत थोड़े दिन बाकी है, क्या करूं? इससे तो मेरी मौत ही अच्छी है। अरे अपनी मौत तो सोचती है, पर तेरे पेट में जो पड़ा उसका तो कुछ ख्याल कर। तुझे तो पहले ही कहा था हमारे साथ काम किया कर, उसमें क्या बुरा है? रोज का 1.5 रुपया मिलेगा, खा पी कर कम से कम 1 रुपया तो बचा लेगी। बोल, अगर मर्जी हो तो आज ही ठेकेदार से बात करो। हाँ बहन, कर लो, कुछ न कुछ तो करना चाहिए, आगे फिर भगवान की मर्जी। अच्छा तो चल। बापू बाहर जा रहा हूँ। कहाँ? रिक्शा चलाने। और कहाँ? ना जाओ बापू ना जाओ। तू चुप रह दे। रानी, ए रानी। दादी, ओ दादी जल्दी आओ। क्या हुआ रे? देखो दादी, बापू रिक्शा चलाने जा रहे हैं। अच्छा, तूने मरने के लिए एकदम कमर कस ली? तो सब जानती हो मासी, अभी लेट आ है तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, मुझे जाना ही पड़ेगा। कहती हूँ मत उठो, सुनो, उठो मत, उठो मत। अरे आ बैठ लिया, अच्छा ही हुआ, 1000 बार मारा किया कोई मारे तब ना। इससे तो मजा नहीं अच्छा है। लेट जा, लेट जा, फिर उठेगा तो दूसरे टांग मैं तोड़ दूंगी। लेट जा। वो राजा के बेटे खूब मटक मटक के तो चल रहा है, तेरा बाप दिनों दिन कमजोर होता जा रहा है, कुछ ख्याल है? लौटते हुए उसके लिए फल खरीद लाना। आज इतनी देर कैसे हो गई? कैसी तबीयत है तेरे बापू? ठीक नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि बापू को अच्छी खुराक खानी चाहिए, लेकिन मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? अबे लालू, उस्ताद के होते तू क्यों घबराता है? बैठ। सुन लिया भजुआ, कन्हैया के बाप की तबीयत खराब है, उसकी जूता पाली 2 पैसे हम उसे देंगे, समझा? वाह, मैं क्यों दूं? अबे इनकम टैक्स से देने पड़ेगा। बेटा क्या कर रहा है? क्या करूं भाई, मेरा बक्सा तोड़ दिया गया। अरे मार बक्से को गोली, चल मेरा साथ। कहां? रे आज रेस का दिन है, गहरा गप्पा लगेगा। कैसा गप्पा? अरे चलना तू। आडाना फाइनल वाला रेसी, रेसी रेसी फाइनल वाला आडाना। सिर्फ 3 रुपए 4 ने जेब में लेकर फाट मारता। ला कलम तो ला। ना, ये भी नकली पाकर। अभी आजकल के बाबुओं को भी न जाने क्या हो गया, असली माल लेकर बाहर निकालता ही नहीं। ले इसे तू ले ले, इसे बेचकर 1-2 रुपए तुझे मिल जाएगा। नहीं नहीं, मुझे चोरी का माल नहीं चाहिए। ओहो साधु महाराज, ठीक है ना, ले ला गाड़ी निकाल। बस
मार लिया मैदान है? असली सोने की मालूम होती है, इसे पान वाले के पास बिक्री करने से कम 300 रुपए मिलेंगे। 300 रुपए? 300 रुपए तो 265 रुपए से ज्यादा। हाँ बे बुद्धू हाँ। क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? क्या तुम मुझे उसमें से 50 रुपए दे दोगे? इतना रुपए कमाने में तो तुम्हें एक घंटा भी नहीं लगता, और सिर्फ 50 रुपए के लिए मेरी माँ को उपवास करना पड़ता है। मेरा बाप मरने के करीब है, हमारा घर बार जगह जमीन सब कुछ चला जाएगा, मुझे रुपए तो अरे हराबिया भी जी चल चल रुपए नहीं लूंगा। बस यही पहली बार और आखिरी बार, फिर कभी नहीं मांगूंगा। 50 रुपए मिलते ही हम लोग गाँव चले जाएंगे और जमींदार का सारा कर्जा चुका देंगे। मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, तुम मुझे रुपया दोगे ना? तुम मुझे रुपया दोगे ना? इस तरह भीख मांगते तुझे शर्म नहीं आती? रुपए के लिए तू एक चोर के पापा, जा दूर हो यहाँ से। तू जैसे भिखारी का मुंह देखना भी पापा। क्यों बे इस तरह मुंह फुला कर क्यों बैठा है? अच्छा मेरे पाँव दबा दे, तू 10 रुपए ले लूंगा। लेकिन तू बेचने जाएगा तो पुलिस तुझे पकड़ लेगी। अच्छा चल मेरा साथ, गोपी पान वाले को देकर तुझे 50 रुपए दिलवा देता हूँ। चल बापू, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या चीज लाया हूँ। दवाई, संतरे। क्यों लाया? किसने कहा था लाने के लिए? डॉक्टर ने कहा था तो मैं। बच्चा मैं तुझसे 1000 बार कह चुका हूँ, तू फजूल में पैसे जाया मत किया कर। देखो बापू मैं रुपए भी लाया हूँ, अब हम लोग जमींदार का सारा कर्जा चुका देंगे। इतने रुपए? ये सब कहाँ से मिले? कहीं से भी आए बापू, तुम ये खा लो ना बापू। नहीं नहीं, जब तक तू नहीं बताएगा मैं नहीं खाऊंगा। ये सब किसने दिए? मेरे एक दोस्त ने बात। दोस्त कौन दोस्त, क्या करता हूँ? वो बापू बोल। बापू वो पॉकेट मार है बापू। पॉकेट मार? पॉकेट मार? चोरी का माल लाया तू मेरे सामने? चोरी का माल? इस्मान का बेटा होकर तूने चोरी की? चोरी चोरी बेईमान, चोरी। किसान का बेटा हो चुआ, तेरी मां सुनेगी तो शर्म के मारे जान दे देगी, मर जाए। बापू मुझे मारो, खूब जी भर के मारो, मगर तुम ये खा लो बापू, ना खाने से तुम मर जाओगे। ऐसे जीने से तो मर ही जाना अच्छा। तुमने चोरी की बचवा, चोरी। उठाइए सब चीज, फेंक दे बाहर सड़क पर, और रुपया भी दिया वापस अभी इसी वक्त। अगर तू ना आई तो बापू मर जाएंगे। ठिकाना लिख दिया है, तू जल्दी ही आ जामा, जल्दी जल्दी ही आ जामा। अब रोने धोने से क्या होगा, बीमार सभी होते हैं। तू जाकर बचुआ को और अपने घर वाले को वापस ले आ। क्या वो आएंगे? अभी तो बहुत रुपए बाकी हैं। रुपयों की तू चिंता ना कर, बाकी पैसे मैं दे दूंगी, धीरे धीरे चुका दे। तुम्हारे जैसे लोग भी धरती पर रहते हैं, ये बात तुम्हें देखे बिना नहीं समझी जा सकती। मुझे आशीर्वाद दो बहन कि मैं उन्हें ठीक ठाक लौटा लाऊं। तो देर ना कर, आज ही किसी को साथ लेकर चली जा। अच्छा
तो मैं वापस लौट के तुमसे मिलूंगी। बाबू तुम्हें चलती है, मैं चलती हूँ बाबू। बाबू बाबू ये क्या, तुम्हें फिर जोर से बुखार हो गया? हाँ बहू, बहुत ज्यादा लग रहा है, जरा वो कम्बल तो दे दे। तुम्हें इस हालत में छोड़कर तो मेरा जाना नहीं हो सकता। मेरी चिंता मत कर, मैंने तो उस पार जाने को पैर बढ़ाई लिया है, तू राम का नाम लेकर चले। लेकिन तुम्हें इस हालत में छोड़कर कैसे? ना ना बहू, तू उन दोनों को जाकर घर ले आ, उन्हें देखते ही मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। चमेली का बेटा आ गया ना? हाँ। तब देर न कर, शायद गाड़ी का वक्त हो गया है। अच्छा तो मैं चमेली से कह देती हूँ, तुम्हारी देखभाल करती रहे। नारायण नारायण, हे राम, इन सबको राजी खुशी घर लौटाना है। मासी मैं पानी पियाऊ? गाड़ी तो खड़ी रहेगी ना? नहीं नहीं अभी चल देगी, अगले स्टेशन पर पी लेना। बहुत प्यास लगी है मासी, वो सामने तो ना ले, मैं अभी पी के आता। देर ना करना। जाना तो तू भी रह जाएगी यहीं। बापू तुम्हारी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई। मोहलत पूरी होने में कुल 5 दिन बाकी हैं। जैसे भी हो मुझे 50 रुपए चुका ले। सुनो तो। छोड़ दे बच्चा, मैं जरूर जाऊंगा। बापू मान जाओ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। देखो दादी बापू मेरी मानते ही नहीं, बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है? रिक्शा चलाने। अरे पाँव में इतना बड़ा जख्म है तो रिक्शा चलाने जा रहा है? मुझे जाना ही पड़ेगा। मरेगा, मेरा कहना नहीं सुनेगा तो जरूर मरेगा, भगवान भी तुझे नहीं बचा सकते। काली भैया जैसे भी हो आज मुझे 50 रुपए जुटाने ही चाहिए, नहीं तो मेरे बापू कहीं रास्ते में गिर कर मर जाएंगे। बस एक बार माता, फिर कभी ऐसा काम नहीं करूंगा, मुझे माफ कर देना। सुनो तो भाई, जरा मेहरबानी करके ठिकाना तो बता दो, बहुत देर से खोज रही हूँ। मेरा घरवाला बीमार है, उसकी खबर सुनकर गांव से उसे देखने आई हूँ। मैं इस मोहल्ले का नहीं हूँ, कुछ कह नहीं सकता, तू उस पान वाले से पूछ लो। मैंने कहा कहाँ जाओगी? ओ शंभू मातो के डेरे पर, चलो। कौन होता है तुम्हारा? मेरा घरवाला है जी, तुम उसे जानते हो? अरे वाह, शंभुए को मैं नहीं जानता, राम कसम वो मेरा जिगरी दोस्त है, जिगरी। हम दोनों एक ही कारखाने में काम करते हैं। मगर वो तो रिक्शा चलाता है। अरे हाँ, आजकल वो रिक्शा ही चलाता है। अब क्या हाल है उसका? भगवान कसम झूठी बात तो मेरी जबान से निकलती ही नहीं, सच तो ये है कि आजकल उसकी हालत कुछ ठीक नहीं, रुपए पैसों की कमी से अपना इलाज। मैं कुछ रुपए साथ लाई हूँ, तुम मुझे जल्दी से वहाँ पहुँचा दो। कितनी दूर है यहाँ? बिल्कुल नजदीक, आओ मेरे साथ।
आओ चलिए। इतनी दूर तो आ गए, अब और कितनी दूर जाना है? बस अब पहुंच ही गए। ये तो मुझे कहां ले आए? घबराओ नहीं, तुम अंदर बैठो, मैं अभी एक डॉक्टर को लेकर आता हूं। एक अच्छे डॉक्टर को साथ ले चलने से शायद शंभू अभी बच जाए। आओ। नहीं नहीं, यहां मैं अकेली नहीं ठहर सकती, मुझे भी साथ ही ले चलो। राम कसम तुम पागल हो गई हो, तुम्हें साथ देकर डॉक्टर ज्यादा पैसे मांगेगा। तुम चलकर बैठो, मैं डॉक्टर लेकर यूं आया। जाओ बैठो। बेटा आई राम कसम, ऐसे दिन आ गए हैं जो बिना पेश की कोई बात ही नहीं करता। मैंने उनके पांव पकड़े, वो नहीं माना। निकालो कितने पैसे तुम्हारे पास? नहीं मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, मैं समझ गई तुम अच्छे आदमी नहीं हो। वाह बहुत जल्दी समझ गई। जब तुम समझ ही गई तो बिना गोलमाल के सीधी तरह निकालो कितने पैसे तुम्हारे पास। नहीं मैं तुम पैसे नहीं दूंगी, मुझे जाने दो। इतनी जल्दी ये तो हो ही नहीं सकता। मैं कहती हूँ रास्ता छोड़ दो, नहीं तो चिल्ला चिल्ला कर लोगों को इकट्ठा कर दो। कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। चिल्ला चिल्ला कर तुम गला दुखाड़ लोगे तो कोई नहीं पहुँच सकता। अरे वाह, इस चाल से सुंदर बुखेरे को तब से क्यों छुपा कर रख गया था? अरे गुस्से में तो तुम ज्यादा खूबसूरत लगती। चलो पैसे लाओ। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, ये पैसा मत लो। खून पानी एक करके कमाए हुए, इनके बगैर मेरा घर वाला नहीं बचेगा। मुझे छोड़ दो। नहीं, अंदरूनी चोट लगी है, नाक मुंह से खून बह रहा है, बस तो जाएगी ना? बच जाएगी अगर हॉस्पिटल जल्दी पहुंचा दी गई। देखो भैया, अगर कोई टैक्सी जल्दी से बुलाओ। टैक्सी कहाँ मिलेगी? वो रिक्शा खड़ी, उसको बुला लाता हूँ। अरे भाई कोई एम्बुलेंस को फोन करो भैया। हाँ हाँ, मैं जल्दी ला। भैया देखो वो पान वाले की दुकान सामने थोड़ी सी बर्फ तो ले आओ। रिक्शा, एक बेचारी औरत गाड़ी से दब गई है, जल्दी चल रहे तो मर जाएगी बेचारी। अगर रिक्शा खून वून से खराब हो गई बाबू तो 5 रुपए होंगे। तो आदमी एक आएगा, जा जा मैं दूसरी को ढूंढ लूंगा। बाबू चलो, जो मन में आए दे देना। अबे उठा, खड़ा मुंह क्या देख रहा? उठा
अमिया बैठ के रोने से कोई फायदा नहीं, अगर इसकी जान बचानी है तो जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। अरे हट जा हट जा हट जा, हम लोग हट जा, हम लोग भाई हट जा, 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 हट जा। क्या कह रहे हो, अस्पताल ले गए? कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आई? बच जाएगी ना, कुछ कहा नहीं जा सकता। और शंभू ने कहा कन्हैया को जल्दी ले आओ। कहां है कन्हैया? लेकिन वो तो यहां नहीं है। क्यों बापू अभी तक नहीं लौटे? कन्हैया चल मेरे साथ चल। कहां? चल ना। क्यों क्या हुआ? मेरे बापू को तो गई, जल्दी बताओ ना क्या हुआ। नहीं नहीं तेरे बापू कुछ नहीं हुआ, तेरी माँ आई है। माँ? माँ आई है? कहाँ है वो? चल मेरे साथ, मैं लिए चलता हूँ। पर ठहरो, मैंने माँ के लिए लाल चूड़ियाँ खरीद के रखी है ना, वो ले आओ। चूड़िया भी अपने साथ ले आई थी। कहाँ है माँ? बोला ना बापू। ये क्या, माँ को इस तरह लिटा कर क्यों ले जा रही है? तेरी माँ मोटर के नीचे। माँ तुम मर गई, मैंने चोरी क्यों की? तुम मर गई। माँ तू इतना भी नहीं समझ सकी कि मैंने चोरी क्यों की। माँ मैंने ही तुझे मार डाला। माँ मैंने ही तुझे मार डाला। तेरी माँ मरी नहीं बेटा? नहीं, तुम लोग मुझे बहलाते हो, अगर जिंदा है तो बोलते क्यों नहीं? मैंने चोरी किस लिए माँ मर गई? माँ मैंने चोरी किस लिए तू मर गई? ये देख, मैं चोरी करूँ मैं तेरे सामने ही फाड़ कर फेंक देता हूँ। माँ अब तो मुझसे कुछ बोल। माँ मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, कभी चोरी नहीं करूँगा। माँ कभी मुझे छोड़ दो। बापू मैंने माँ को मार दिया। बापू मत रो बेटा, मत रो बेटा। धीरा धर शंभू, धीरा धर, तू भी बच्चा बन गया। तुम्हारी औरत के पल्लू से 60 रुपए मिले हैं, संभाल लो। ला मुझे दो। उस बदकिस्मत औरत का गार्जियन कौन है? ये उसके घर वाला है हुजूर। डॉक्टर साहब बच्ची तो हो जाएगी ना? अभी तक बेहोश पड़ी है, उम्मीद है बच जाएगी। डॉक्टर साहब जैसे भी हो मेरी माँ को बचाएगी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। तेरी माँ अच्छी हो जाएगी बेटा, जरूर अच्छी हो जाएगी। देखो भाई उसे फौरन ही कुछ इंजेक्शन और खून देने की सख्त जरूरत है। हॉस्पिटल की तरफ से ये कीमती दवाइयाँ नहीं दी जाती, तुम्हें ये सब लाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जमीन बचाने के खून बहा बहा कर ये पैसे जमा किए, आदमी से खून खरीदूंगा। जो भी हो पायो जरूर बच्चा। हाँ बापू जैसे भी हो मेरी माँ को बताओ। हाँ हाँ बच्चा। शंभू मेहतो ने कर्ज की रकम अदा नहीं की, बल्कि वो अपनी बीवी और बच्चों को लेकर यहाँ से फरार हो गया। उसका बूढ़ा बाप गंगू मेहतो जो यहाँ है पागल हो गया है, लिहाजा मजबूर होकर उसकी जायदाद तो जमीन नीलाम करनी पड़ रही है। नीलाम करोगे? करो जरूर करो। हमें घर से बाहर कर दिया तो इससे क्या हुआ? ये घर बहुत छोटा था, अब हमें बहुत बड़ा घर मिल गया है। सारी पृथ्वी ही हमारा घर हो गई। वो ऊपर नीला आसमान हमारी छत का काम देगा।
धुआं उठ रहा है ना, ठीक वहीं पर अपना मकान था और वहां मेरी रसोई थी। चलो माँ, चलो बापू अब चले। चलो क्या उठाता है, दिखा क्या उठाया है। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। चोर कहीं का? कुछ नहीं क्या, दिखा क्या चुराया है, दिखा। भाग यहां से, भाग।